भीलवाड़ा में नगर परिषद के कांग्रेस सभापति ललित समदानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। लगातार विवादों में घिरे रहने वाले सभापति के खिलाफ पहली बार भाजपा ने अविश्वास पास प्रस्ताव लेकर आए हैं। वहीं सभापति का भाजपा से पुराना नाता है और भाजपा से निष्कासित के बाद विगत महीने में ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। नगर परिषद भीलवाड़ा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आज 43 पार्षदों ने और एक MLA साहब ने प्रस्तुत किया है। कुल 44 व्यक्तियों ने साइन करके अपनी हाजिरी देकर और साथ में अपना ID प्रूफ और एक एक का उनका मिलान किया गया ID प्रूफ का। जो नगर परिषद भीलवाड़ा है उसमें 55 जो है निर्वाचित पार्षद हैं और उसमें एक MLA और एक सांसद दो और हैं जो कुल मिलाकर संख्या को 57 करते हैं। 3/4 जो लोग जिस जो रिप्रेजेंट करने चाहिए बहुमत के लिए मतलब इस अविश्वास प्रस्ताव को रखने के लिए वो करीब 43 होते हैं और 44 जनों के साइन से ये प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ है। वोटिंग कब? ललिता जी समदानी के खिलाफ जो शहर में वातावरण था और शहर की जिस तरह से दुर्दशा हो रही थी और जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा था, सारे अखबार अटे पड़े हैं उनकी अव्यवस्थाओं से। कई बार उनको हमने निवेदन भी किया, जब हमने उनको किसी काम के लिए निवेदन किया तो उन्होंने उल्टा हम पे आरोप लगाया कि वो असंवैधानिक कार्य करवाते हैं, जबकि जनसेवा के लिए हमने उनसे बार बार निवेदन किया, लेकिन उनका ध्यान केवल और केवल किस तरह से कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसके अलावा उन्होंने भीलवाड़ा पे कोई ध्यान नहीं दिया है। और अपने बचाव के लिए वो कांग्रेस पार्टी में गई। कांग्रेस भी उनके इस कृत्य से कोई खुश नहीं है और निश्चित रूप से पूरे शहर की जनता और जनप्रतिनिधि सारी पार्टियां उनके कार्य से असंतुष्ट है, उनके भ्रष्टाचार से असंतुष्ट है और इसीलिए सब पार्षदों ने मिलकर राय करके मेरे से भी उन्होंने कहा कि भाई आप भी हमारा साथ दीजिए, तो मेरे भी ड्यूटी बनती है और हम सब पार्षदों की ड्यूटी बनती है कि जनता ने जिन्होंने जिताया है उनके काम नहीं करवा सकते। एक मिट्टी का ट्रिप कहीं डलवाना हो तो पार्षद को अधिकार नहीं दिया गया, एक कहीं मौत मरगत में कहीं साफ सफाई करवानी हो तो कोई अधिकार पार्षदों को नहीं दिए गए, और पार्षदों को एक टैंकर पानी का कहीं डलवाना हो तो उसके लिए मोहताज होना पड़ा, एक स्ट्रीट लाइट के लिए मोहताज होना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में सारे पार्षदों ने ये तय किया है कि इस ललिता समदानी जी से मुक्ति चाहिए और इसीलिए आज अविश्वास प्रस्ताव रखा है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत चालक और सवारी दोनों को पहनना अनिवार्य है। पहले अभी जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जो है उसमें पहले राज्य सरकारों को एग्जम्पशन की शक्ति थी, वो भी इसमें हटा दी गई, लेकिन राजस्थान सरकार ने 28/10/2015 से वो जो छूट है वो पहले ही हटा लिया। पूरे राज्य में चाहे गांव हो चाहे शहर हो चाहे कोई भी जगह हो, चालक और सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। लेकिन अभी हाल ही में जब लगातार सड़क दुर्घटनाएँ हो रही है तो उसमें दो पहिया वाहन चालक जो है वो हेलमेट पहने, इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने एक आदेश जारी किया है कि जिले के अंदर जितने भी सरकारी कार्मिक हैं अधिकारी गण हैं और वो हेलमेट स्वयं बन के एक आदर्श प्रस्तुत करें और एक आदर्श वाहन चालक का उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं में एक संदेश जाए और वो स्वेते हेलमेट लगाने लग जाए, स्वेते अगर 4 पहिया कार वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये हम जितने भी जो लोक सेवक हैं या जो हितधारक विभाग हैं, हम सारे सड़क शिक्षा से जुड़े हुए विभाग हैं।